प्रिय विद्यार्थियों, आज हम क्लास सिक्स विषय सामाजिक टॉपिक पार्ट तीन पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी क्या है? अपने अक्ष के चारों ओर और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसलिए इसकी दो गतियां हैं। आज का विचार है हमारा मन की एकाग्रता से मनुष्य प्रत्येक मार्ग में सफल होता है। मन की एकाग्रता से मनुष्य प्रत्येक मार्ग में सफल होता है। पृथ्वी की गतियाँ, पृथ्वी की क्या है? दो गतियाँ हैं। कितनी हैं? दो गतियाँ हैं। नंबर एक घूर्णन गति, नंबर दो परिक्रमण गति। घूर्णन गति क्या है? जब पृथ्वी अपने अक्ष पर, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है, तो इसे पृथ्वी की घूर्णन अथवा दैनिक गति भी कहते हैं। दैनिक गति भी कहते हैं, क्योंकि यह है 24 घंटे में अपने एक चक्कर पूरा करती है। इससे दिन रात बनते हैं। पृथ्वी की दो गति होती हैं, घूर्णन गति परिक्रमण गति। परिक्रमण गति जब पृथ्वी सूर्य के चारों करती है, इसे पृथ्वी की परिक्रमण गति कहते हैं, क्योंकि यह सूर्य के चारों पूरी करती है
इससे वर्ष महीने तथा ऋतु बनती है। पृथ्वी की दो गतियां हैं, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। घूर्णन गति जब पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या है एक चक्कर पूरा करती है तो उसे पृथ्वी की घूर्णन गति कहते हैं। इसका नाम धीमी गति भी है। क्यों? क्योंकि यह 24 घंटे में अपने अक्ष का एक चक्कर पूरा करती है। इससे दिन रात बनते हैं, इसलिए इस पृथ्वी को घूर्णन या धीमी गति भी बोलते हैं। परिक्रमण गति जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करती है, इसे पृथ्वी की परिक्रमण गति कहते हैं। क्योंकि सूर्य के चारों ओर लगभग 365 दिन में परिक्रमा पूरी करती है, इसे वार्षिक गति भी कहते हैं। इससे वर्ष महीने तथा ऋतुएं आदि बनते हैं। पृथ्वी का झुकाव, पृथ्वी अपने अक्ष पर बनाती है। जब पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है तो इसे कक्ष कहते हैं। कक्ष द्वारा पृथ्वी के कक्ष द्वारा बनाए गए कोण को कक्ष में समतल कहते हैं। अब हम पृथ्वी का उत्तरी आयाम और दक्षिणी आयाम के बारे में पढ़ेंगे। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसका एक भाग सूर्य के सामने घूमता है और दूसरा भाग सूर्य से परे चला जाता है। जब उत्तरी ध्रुव या उत्तरी गोलार्ध पृथ्वी का सूर्य के सामने आता है तो उत्तरी आयनांक बोलते हैं उसको। उत्तरी आयनांक जब सूर्य झुका होता है तो 21 जून में ग्रीष्म ऋतु होती है। उत्तरी गोलार्ध में क्या है? ग्रीष्म ऋतु। और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। और उत्तरी ध्रुव में 21 मार्च को उत्तरी ध्रुव में दक्षिणी ध्रुव पर शरद ऋतु और वसंत ऋतु 23 सितंबर को दक्षिणी ध्रुव में क्या है? दक्षिण में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों क्या है? समान रूप से झुके होते हैं। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु, दक्षिणी अयनांक में और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी अयनांक में क्या है? उत्तरी स्थिति हो जाती है। जैसे उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को ग्रीष्म ऋतु, जबकि दक्षिणी अयनांक में उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु हो जाएगी।
दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु है, जबकि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु हो जाती है। शरद ऋतु वसंत ऋतु उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च और 23 सितंबर को या कोई भी ध्रुव सूर्य के सामने झुका नहीं होता। 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या है, दोनों ध्रुवों पर क्या रहती है, वसंत ऋतु रहती है और ध्रुवों पर क्या है, शरद ऋतु रहती है। ये था सूर्य के अनुसार पृथ्वी का घूमना परिक्रमण, दिन रात छोटे बड़े वहाँ उत्तरी अयनांत और दक्षिणी अयनांत खंड।